नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, एक सर्विसमैन को गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्व्ड कोटा मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन एक सर्टेन परसेंटेज का हिसाब से है। जैसे कि 1979 का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन का हिसाब से ग्रुप सी के लिए 10% एंड ग्रुप डी के लिए 20% रिजर्वेशन है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स का कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए भी 10% रिजर्वेशन है। पर सवाल आज ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन आप कितने बार ले सकते हैं। जैसे कि आप एक बार एक सर्विसमैन कोटा लेके किसी गवर्नमेंट जॉब में आपने ज्वाइन किया, उसके बाद क्या फिर आप दोबारा ले सकते हैं? ये सवाल आपके मन में है। बहुत लोग ये कहते हैं कुछ नहीं होता, कौन देखता है। पर दोस्तों, अगर आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो आपको डजनों ऐसे केस मिलेंगे जिनको सर्विस से डिसमिस किया गया, उनका जो फर्स्ट सर्विस है वो फॉरफिट किया गया विदाउट एनी बेनिफिट, उनको सर्विस से डिसमिस किया गया इस ऑफेंस का वजह से। सो फ्रेंड्स, बी कॉशियस, जो कानून का दायरे में है हमें उसमें ही चलना है, कानून का उल्लंघन नहीं करना और कानून में जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न का हिसाब से ही हमें फैसिलिटीज़ जो मिलता है एक सर्विसमैन के लिए, बेनिफिट जो मिलता है एक सर्विसमैन के लिए वो लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज जानेंगे बाकी क्या एक बार से ज़्यादा क्या हम एक सर्विसमैन कोटा ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो इसके लिए क्या रूल प्रोविज़न है और नहीं ले सकते हैं तो क्यों नहीं ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले ही बताया कि 1979 का जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट में रिक्रूटमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है उसमें 10% एंड 20% का रिजर्वेशन है। इन एडिशन आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस का असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए भी रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा PSU, ऑटोनोमस बॉडी एंड स्टेट गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन रखा गया। पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कहीं भी है, वहाँ पे आप केवल और केवल मात्र एक ही बार रिजर्वेशन ले सकते हैं एज पर ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ 2 मई 1985। उस लेटर में ये डिसाइड किया गया था कि आप एक सर्विसमैन जब सिविल साइड का किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो उनको एक ही बार मात्र एक ही बार एक सर्विसमैन कोटा मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन आप एक ही बार ले सकते हैं। उसमें आप एज रिलैक्सेशन जितनी बार मर्जी चाहे ले सकते हैं, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पर इसका कुछ अमेंडमेंट आया हुआ है 14 अगस्त 2014 का DOPT का VM नंबर 36034 1/2014 एस्टैब्लिशमेंट RES। ये जो लेटर आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं DOPT का जो OM है, इस OM के तहत ये बताया गया कि अब ये प्रोविज़न में थोड़ा सा बदलाव लाया गया। बदलाव का रीज़न ये है कि जब एक सर्विसमैन डिस्चार्ज होके सिविल में आते हैं तो सिविल में जॉब के लिए कई सारे एग्ज़ाम, कंपिटिटिव एग्ज़ाम अपीयर करते हैं, पर कई बार ये होता है कि कोई एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकल गया और आप उसमें ज्वाइन कर लिया। हो सकता है वो जिसमें आप ज्वाइन किया वो लोअर कैटेगरी का हो और बाकी जो एग्ज़ाम और आपने अपीयर किया वो थोड़ा सा हायर कैटेगरी का हो और उसका रिज़ल्ट बाद में आया और आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है, पर उसमें आप अभी तक का जो प्रोविज़न था 2014 से पहले का जो प्रोविज़न था, आप एक बार कहीं ज्वाइन कर लिया तो आप उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते थे।
पर 2014 का 14 अगस्त 2014 का जो OAM है इसका हिसाब से आप अगर एक साथ कई सारे एग्ज़ाम देते हैं रिटायरमेंट का बाद सिविल पोस्ट के लिए और किसी एक जगह में ज्वाइन करते हैं, तो आप जैसे ही ज्वाइन किया वहाँ पे उस डिपार्टमेंट को आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कौन कौन सा कंपिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आपने अपीयर किया, वो सारे डिटेल्स आपको देने होंगे। वो देने का फ़ायदा क्या होगा, जब आपको दूसरा किसी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो चुका होगा और उसका आप अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको मिल गया होगा, तो आप तब उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको एक अप्लाई करना है और वो डिपार्टमेंट आपका जो प्रीवियस डिक्लेरेशन आपने दिया था उसको चेक करके देखेंगे, अगर उस लिस्ट में उस डिपार्टमेंट का है नाम है, उस एग्ज़ाम का नाम है, तो आपको यहाँ से रिलीज ऑर्डर मिलेगा और आप बिल्कुल लीगल वे में सेकेंड टाइम दूसरा डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए, आप फर्स्ट टाइम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाद अगर कहीं भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे, आपको एक सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियरली इस लेटर का जो पैरा 4 है इसमें बताया गया कि ये जो सिस्टम है, देखिए यहाँ पे क्लियर वे में बताया गया, द मैटर हैज़ देयरफोर बीन कंसिडर्ड इन कंसल्टेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड दैट इफ एन एक्स सर्विसमैन अप्लाइज फॉर वेरियस वैकेंसीज बिफोर ज्वाइनिंग एन सिविल एम्प्लॉयमेंट, ही और सी कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज एक्स सर्विसमैन फॉर एनी सबसिक्वेंट employment. However, to avail of this benefit, an ex-serviceman as soon as he or she joins any civil employment should give self-declaration of the undertaking to the concerned employer about the date-wise details of application for various vacancies for which he or she had applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever its reservation is applicable to the ex-serviceman. So friends, ये था provision. इस provision के हिसाब से आप एक बार से ज़्यादा भी ex-serviceman कोटा ले सकते हैं, पर condition ये है कि वो सारे examination, competitive examination जिसके लिए आप पहले अप्लाई कर चुके हैं और जहाँ पे वैकेंसीज आपका एक सर्विसमैन कोटा पर है और जो वैकेंसीज के लिए आप सिविल एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करने से पहले अप्लाई कर चुके हैं, केवल उसी जगह पे आप ज्वाइन कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर इस पर किसी टाइप का कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम इसको क्लैरिफाई कर पाएँ। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजिट करें हमारा वेबसाइट www.exservicemanindia.info। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।